हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ आदिल, कॉन्सेप्ट क्लास जयपुर से। और फ्रेंड, आज हम सीख रहे हैं कि ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के रूट्स फाइंड किए जाते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट? क्यूबिक पॉलिनोमियल जो जिसमें जो हाईएस्ट पावर होती है वो 3 होती है। जिसकी जिस भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 3 होती है वो जो कहलाती क्या कहलाती है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाती है। स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रूट्स किसे कहते हैं। ठीक है, रूट्स क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ आपको, लेकिन पहले थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि रूट्स क्या होते हैं। जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन है 2x+1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी होती है जिस पर ये पूरी इक्वेशन किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। यहाँ पे दोबारा सुन लो, यहाँ पे x की वो वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ती है जिस पे इस पूरी इक्वेशन, ये जो पूरी इक्वेशन है ये किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। जो भी वैल्यू आएगी x की वही क्या कहलाएगा, इस इक्वेशन का रूट कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे रूट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको इक्वल टू 0 रखते हैं और यहाँ पे 2x -1 हो जाता है और x -1/2 हो जाता है। इस -1 जो x की वैल्यू है -1/2 अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स x -1/2 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, जो भी इक्वेशन है उसका रूट होगा। ठीक है, ठीक उसी तरह हमारे पास 3 इक्वेशन होती है। पहली इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आज मेरा कैम ऑन नहीं है स्टूडेंट, कैम किसी रीज़न की वजह से ऑन नहीं हो पाया, तो मैं बिना कैम के ही पढ़ा रहा हूँ, तो आप ऐसे ही समझ। ओके, तो पहला है मेरे पास लीनियर इक्वेशन, दूसरा है मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन और थर्ड है मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक पॉलीनोमियल। 3 तरह की इक्वेशन होती है। लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होती है। ठीक है, जैसे 2x+1, तो यहाँ पे जो x की पावर है वो 1 आ रही है, तो हाईएस्ट पावर 1 ही आ रही है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसमें हाईएस्ट पावर जो है 2 होती है। जैसे कि मैं यहाँ लिखूँ 2x²+1। ठीक है, तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 है। ठीक है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है? जिसमें हाईएस्ट पावर क्या हो, 3 हो, तो 2x³+1 ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, लेकिन इनकी सबकी जनरल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए स्टूडेंट। जनरल फॉर्म अगर याद नहीं होगी तो फिर आपको दिक्कत आएगी। जनरल फॉर्म क्या होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ जनरल फॉर्म। ठीक है, क्या होती है मैं आप बता देता हूँ। जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन की होती है x+by+c=0। याद रखनी है आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है x²+bx+c=0। ठीक है, ठीक उसी तरह हमारे पास जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है उसकी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, सॉरी उसकी जो है जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax³+bx²+cx+d=0। ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो भी इक्वेशंस होती हैं वो इसी से ही फॉर्म होती है। जनरल फॉर्म का मतलब होता है कि जो इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म में होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये इस फॉर्म में है, देखो x^1 है, तो यहाँ पे x^1 है और a की वैल्यू यहाँ पे 2 आ रही है। यहाँ पे y की कोई भी टर्म नहीं है, इसका मतलब b की वैल्यू 0 होगी और c की वैल्यू क्या होगी, कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, c की वैल्यू होगी 1। तो ये एक जो है हमारे पास क्या होता है, जनरल फॉर्म होती है, उसी से ही हमारी क्या बनती है, जो इक्वेशन होती है वो बनती है। अब एक चीज़ और याद रखना है कि जो लीनियर इक्वेशन होता है उसमें कितने रूट फाइंड होंगे। लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 1 होती है तो यहाँ पे एक ही रूट फाइंड होगा। जैसे कि अभी हमने निकाला था -1/2, तो ये जो -1/2 निकाला था स्टूडेंट, ये एक ही रूट निकला था क्योंकि 2x+1 लिया था और 2x+1 में जो रूट होगा वो कितने निकलेंगे, एक ही रूट निकलेगा, ओनली 1 रूट निकलेगा, हमेशा 2 रूट कभी भी नहीं निकलेंगे। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ पे 2 रूट निकलेंगे, 2 रूट निकलेंगे। ठीक है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 3 होती है, तो यहाँ पे कितने रूट निकलेंगे, 3 रूट निकलेंगे, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो इक्वेशन देख के समझ जाना है कि कौन सी इक्वेशन है कितने रूट फाइंड होंगे। तो लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। ओके, तो
ओके स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हमारे पास लिखा है, एग्जांपल हमने लिया है 2x³ + x² - 5x + 2। ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल लिया। इस एग्जांपल से हमें फाइंड करना है कि जो है रूट्स फाइंड करनी है। ठीक है, रूट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास पहले ये देखना होगा कि हाइएस्ट पावर कितनी है। यहाँ पे हाइएस्ट पावर स्टूडेंट 3 है, तो इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलीनोमियल है एक। ठीक है, और जनरल फॉर्म क्या होती है क्यूबिक पॉलीनोमियल की? जनरल फॉर्म होती है ax³ + bx² + cx + d = 0। तो a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, साफ साफ पता पड़ रहा है। एक्स क्यूब के साथ एक्स क्यूब है और a की जगह 2 है। यहाँ पे x² की जगह x² है और b की जगह यहाँ कुछ नहीं है, डैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे x की जगह x है और c की जगह क्या है -5 है, तो c की वैल्यू -5 होगी और d की वैल्यू 2 होगी। तो मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ कि क्या क्या होगा। तो a की वैल्यू हमारे पास आई यहाँ पे 2, b की वैल्यू हमारे पास आई यहाँ पे 1, c की वैल्यू हमारे पास आई है -5 और d की वैल्यू यहाँ पे आई 2। ठीक है, ये वैल्यू आपको निकालना आना चाहिए, मैंने आपको सिखा चुका हूँ पिछले एपिसोड में। ओके, अब हमें फाइंड करने इसके रूट्स। रूट्स कितने फाइंड होंगे? मैंने अभी बताया कि क्यूबिक पॉलीनोमियल में हमेशा कितने रूट्स निकलते हैं? 3 रूट निकलते हैं। तो उन तीनों रूट्स को क्या कहा जाता है? उन तीनों रूट को कहा जाता है, एक को कहा जाता है स्टूडेंट्स अल्फा, दूसरे को कहा जाता है बीटा और तीसरे को कहा जाता है गामा। ठीक है, तीसरे को क्या कहा जाता है? गामा कहा जाता है। तो ये 3 रूट होते हैं, जबकि जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इसमें 2 ही रूट होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है अल्फा और एक होता है बीटा, बता चुका हूँ। ठीक है, और 1 रूट यानी जो लीनियर इक्वेशन होता है उसमें एक ही रूट होता है, जिसे हम कहते हैं अल्फा। ओके, तो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के हम निकाल रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपके सामने है, यहाँ पे हमारे पास 3 रूट निकलेंगे, अल्फा बीटा और गामा। तो सबसे पहले फर्स्ट रूट निकालते हैं। फर्स्ट रूट कैसे निकालेंगे? फर्स्ट रूट निकालने के लिए हम मेथड यूज़ करते हैं स्टूडेंट, कौन सा मेथड? हाइड एंड ट्रायल। हाइड एंड ट्रायल मेथड हम यूज़ करेंगे, ये मेथड निकालेंगे। हाइड एंड ट्रायल मेथड कौन सा होता है? हाइड एंड ट्रायल मेथड होता है स्टूडेंट कि हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो पॉलीनोमियल दे रखी है आपको पी एक्स, जिसकी इक्वेशन है 2x³ + 1x² - 5x + 2, हमें क्या करना है यहाँ पे इस x की वैल्यू पुट करके देखनी है, कुछ भी अपने मन से। जनरली हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम स्टार्ट करते हैं x = 1, फिर हम रखते हैं -1, फिर रखते हैं 2 और फिर रखते हैं -2। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि ये 1 पर क्या इक्वेशन कोई 0 हो रही है, या -1 पे 0 हो रही है, या 2 पे 0 हो रही है, या -2 पे 0 हो रही है, या 3 पे 0 हो रही है, -3 पे 0 हो रही है। इतना ही सॉल्व करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा सॉल्व कभी भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि ये जो सामने आपको दिख रहा है, हमें क्या करना है इस x की जगह ये वैल्यूज पुट करके देखना है अपनी मर्जी से। पहले 1 पुट करके देखो, 1 पे अगर 0 नहीं आ रहा है तो -1 पुट करो, -1 पे 0 नहीं आ रहा है तो 2 पुट करो, और 2 पे 0 नहीं आ रहा तो -2 पुट करो। तो ऐसे करके हमें यह फर्स्ट रूट निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ x = 1 पुट करता हूँ। जनरली जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें -1 पुट करने पे ही 0 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ट्राई करके देख सकते हो। सबसे पहले मैं x = 1 पुट करके देखता हूँ, पुट x = 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जहाँ भी x है वहाँ पे 1 पुट करना है। तो 2x³ है यानी 1 का क्यूब, प्लस 1 है यानी 1x² यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, -5x है यानी 1 और ये प्लस का 2। ठीक है, =2, ये हो गया हमारे पास 2, प्लस ये हो गया हमारे पास 1, ये हो गया हमारे पास -5 और ये हो गया प्लस का 2। 2 = 4 और +1, 5 - 5 हो गया, 5 - 5 किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट? 0 के इक्वल आ गया। इसका मतलब फर्स्ट हमने क्या पुट किया था, x = 1। x = 1 पुट करने पे ये 0 के इक्वल आ गया। इसका मतलब फर्स्ट रूट क्या होगा हमारे पास? फर्स्ट रूट होगा हमारे पास x = 1, यानी अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास 1। ठीक है, अब आगे क्या करना है, दो रूट कैसे निकालेंगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ निकाल लिया अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दो और यहाँ लिख दो। ठीक है, ये अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। अब आगे की बात करते हैं। यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करी थी x = 1। ठीक है, x = 1 पुट करी थी, इस 1 को इधर लेके आओ तो क्या होगा, ये हो जाएगा x - 1 = 0। ये क्यों किया हमने? ये ऐसा इसलिए किया हमने कि ये जो x - 1 है इसको, इससे अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा जो भी पॉलीनोमियल आपको दी हुई है। इस पॉलीनोमियल को इस x - 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, आगे उससे क्या होगा अभी पता पड़ेगा। तो हम डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास इक्वेशन है 2x³ + 1x²
माइनस का 5x प्लस का 2, ठीक है। और इसको हमें डिवाइड करना है, किसे डिवाइड करना है, x माइनस 1 से डिवाइड करना है। डिवाइड करके देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ डिवाइड करा, डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग डिविजन मेथड जो हमने पढ़ के आए वो यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे ये x है और ये x स्क्वायर है, ठीक है। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें कि x क्यूब हो जाए, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और टू भी है तो टू भी लगाना पड़ेगा। तो टू एक्स स्क्वायर से क्या करना पड़ेगा, टू एक्स स्क्वायर से जब हम एक्स की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो टू एक्स क्यूब आएगा, तो हमें टू एक्स क्यूब ही चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टू एक्स क्यूब लिख दूँगा। तो मैंने यहाँ पे टू एक्स क्यूब लिख दिया। ये माइनस वन इंटू टू एक्स स्क्वायर क्या होगा, माइनस का टू एक्स स्क्वायर होगा, यही होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। नीचे वाले के सिर्फ नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये नीचे वाला जो है प्लस का है, तो ऊपर वाला जो है नीचे वाला प्लस का है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। ये चेंज होती है, ये तो कट गया, कैंसिल हो गया, एक प्लस का एक माइनस का, ठीक है। जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसको लिख दो, वन और टू मिलके क्या हो गया, थ्री एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये जो बचा है बाकी का, माइनस का 5x और प्लस का 2, एज दैट इज हमने नीचे कॉपी कर दिया, 5x यहाँ उतार दिया, 2 यहाँ पे कॉपी कर दिया, ओके। अब यहाँ पे x है और यहाँ पे 3x स्क्वायर है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर के इक्वल हो जाए, ऑब्वियसली 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जाके ये 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास इक्वेशन वो आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 3x स्क्वायर, x इंटू 3x, 3x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3x, माइनस का 3x, ठीक है। ये आएगा, साइन चेंज कर दो नीचे के, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। ये क्या बचा, माइनस का 5 प्लस का 3, माइनस का 2x प्लस का 2, ठीक है। माइनस का 2x प्लस 2, ये वाला 2 मैंने एज इट इज नीचे कॉपी कर दिया, ओके। अब क्या करना है, अब आपके पास यहाँ x है और यहाँ माइनस का 2x है, x यहाँ पे x है और इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 2x हो जाए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको सबको पता है माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस टू एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये जो है माइनस टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस टू से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 2x, x इंटू माइनस टू, माइनस का 2x, माइनस का 1 इंटू माइनस का 2, माइनस का 1 इंटू माइनस का 2 क्या आएगा, 2 आएगा पॉजिटिव का, तो प्लस का 2 आएगा। साइन चेंज कर दो, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी कैंसिल हो, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर क्या बचा, जीरो बचा। अब रिमाइंडर जीरो बचा, हम क्या कर रहे हैं, हम रूट्स निकाल रहे हैं। रिमाइंडर जीरो बचा तो उससे रूट का क्या लेन देना है, उससे रूट का ये लेन देना है स्टूडेंट, जो आपके पास क्वेश्चन आया है, ये जो चीज़ आई है आपके पास, इसके अब हमें फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। क्या आया हमारे पास, हमारे पास आई पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस का 3 माइनस का 2। अब हमें क्या करना है, इसका आपको क्या करना है, फैक्टर्स निकालना है। इसके फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड यूज़ कर लो, क्योंकि ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तीन मेथड होते हैं, तीनों में से कौन सा मेथड आप यूज़ कर सकते हो, मैं स्प्लिटिंग मेथड यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 1x माइनस का 2, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, और 2 और 4 इंटू 1 क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि 2 से क्या चाहिए, मुझे 4 चाहिए, ठीक है। स्प्लिटिंग मेथड अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो आप वीडियो देख सकते हो पीछे को, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इन दोनों में से आपको कॉमन निकालना है, तो कॉमन निकलेगा यहाँ पे 2x कॉमन निकल रहा है इन दोनों में से, तो यहाँ पे हमारे पास x प्लस 2, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन बचा, तो यहाँ भी बचा x प्लस 2। तो हमारे पास क्या आया है, यहाँ पे हमारे पास आ गया यहाँ पे 2x माइनस 1 और एक आ गया x प्लस का, ओके, 2x माइनस 1 और x प्लस 2। अब क्या करना है हमें, हमें इन जो दोनों फैक्टर्स आए हैं इन दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू रख दो 0 पे, तो मैं 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 रख देता हूँ, और 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ओके, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1/2 आ गई, एक दूसरा फैक्टर यह आ गया हमारे पास, ठीक। उसी तरह हमें क्या करना है, एक्स प्लस 2 इक्व टू 0 रखना है, तो एक्स इक्व टू क्या आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। और एक्स की वैल्यू जो माइनस 2 आई है, ये किसके, ये क्या है, ये हमारे पास तीसरा फैक्टर है, तीसरा रूट है, ठीक है। तो पहला जो रूट आया हमारे पास क्या आया स्टूडेंट,
अल्फा की वैल्यू आई हमारे पास, अल्फा की वैल्यू आई हमारे पास कितनी आई थी ऊपर अभी बताया था मैंने आपको, एक्स इक्वल टू क्या रखा था अपने, वन रखा था ठीक है। यहाँ पे एक्स इक्वल टू वन रखने पे जीरो आया था ना, तो एक्स अल्फा की वैल्यू आई थी वन, बीटा की वैल्यू आई हमारे पास वन अपॉन टू, और गामा की वैल्यू आई हमारे पास माइनस टू ठीक है, इसे अपन कहेंगे गामा। ओके समझ आ गया स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम रूट्स निकालते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें हाइड एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना है। हाइड एंड ट्रायल मेथड यूज़ करके आपको ये फाइंड करना है कि कौन से ऐसी वैल्यू है एक्स की जिसमें ये जीरो हो जाती है इक्वेशन जो भी, तो वही पहला रूट होगा। तो एक्स इक्वल टू वन आया तो यानी फर्स्ट रूट हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई वन, यहाँ पे हमने अल्फा की वैल्यू वन निकाली। उसके बाद क्या करना है, इस वन को इधर ले जाना है तो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इस एक्स माइनस वन से जो गिवन इक्वेशन दे रखी है, जो भी पॉलिनोमियल दे रखी है आपको, उसको क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करने के बाद जो क्वोशेंट आएगा आपका, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आएगा। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप फैक्टर्स निकाल लो कोई से भी मेथड से, स्प्लिटिंग मेथड से या क्वाड्रेटिक फार्मूला से या परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। तो यहाँ पे आप मैंने स्प्लिटिंग मेथड यूज़ किया, स्प्लिटिंग मेथड मैंने यूज़ किया तो एक्स की वैल्यू आई वन बाई टू और एक्स की और दूसरी वैल्यू आई मेरे पास माइनस टू। तो तीन मेरे पास रूट आ गए, वन, वन बाई टू और माइनस टू, ये तीनों ही जो है क्या है आपके आपके रूट है, रूट्स है। ओके आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जो चीज़ आपको समझ नहीं आई मुझे कमेंट कर दो, मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा। ओके टेक केयर, बाय बाय।